आज मैं आपके लिए घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। दादी नानी के ज़माने का है, बरसों पुराना उपाय है ये। अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की बवासीर हो, खूनी बवासीर हो, या मस्से फूल गए हों या कट लग गए हों, तो उन सभी के लिए ये उपाय है। बहुत ही पुराना उपाय है ये, बरसों से किया जा रहा है, तो वही मैं लेकर आई हूँ। नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने इसके विषय में वीडियो बनाई है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेना है एक प्याज, और प्याज को हम पहले छील कर इसको काट लेंगे। प्याज कोई भी हो, सफ़ेद या लाल रंग का जो प्याज आता है, कोई भी प्याज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सफ़ेद वाला ही लेना है, कोई भी प्याज जो सीज़न में आता है वही प्याज आप ले सकते हैं। तो प्याज को हम टुकड़ों में पहले काट लेंगे। बहुत ही कारगर उपाय है, इसको ज़रूर कीजिएगा आप, बहुत आराम होगा आपको इससे। प्याज को हमने काट लिया है, और प्याज को हमने इसमें कूटनी में डालकर इसको कूट लिया है। जितना बारीक आप कूट सकते हैं उतना बारीक आप कूट लेना। तो कूटनी में डालकर मैंने कूटा है, आधा प्याज मैंने लिया था। अब मैंने ली है एक कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई है ये, और उसमें डालेंगे हम देसी घी। देसी घी गाय का मिले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं गाय का मिलता है तो कोई भी घी ले सकते हैं, भैंस का घी भी ले सकते हैं, पर गाय का मिलेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, गाय का घी देख लेना। तो थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। देखिए, बवासीर की किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उन्हें छाछ का सेवन शुरू कर देना चाहिए, यानी मट्ठा, जिसे कहते हैं ना, दही की लस्सी नहीं, छाछ या मट्ठा पीना चाहिए। पर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ज़रूर डाल लेना, जो व्रत वाला नमक होता है। अब देखिए, घी हल्का मेल्ट हो गया है, तो हमने इसमें जो प्याज कूटा था वो प्याज डाल दिया है। और जिनको भी बवासीर हो उनको मूली नियमित रूप से खानी चाहिए, मूली का सेवन आप करना शुरू कर दीजिए जिनके भी बवासीर की प्रॉब्लम है। और गाजर के सीज़न में गाजर का रस पीने से भी बवासीर में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। तो प्याज को हमने इसमें घी में केवल गरम करना है, थोड़ा सा, एक दो मिनट कर लेना बस, हमने प्याज को पकाना नहीं है, तो बस गरम करना है। ध्यान रखिएगा, पके ना ये, पकना नहीं चाहिए, बस एक दो मिनट इसको गरम कर लेना, अच्छी तरह से ये गरम हो जाए तो ये लुगदी सी एक बन जाएगी, वैसे ही हमने इसको बनाना है। और कभी कभी आप हरड़ भी खाया कीजिए, जिनको भी बवासीर की प्रॉब्लम है, थोड़े से गुड़ के साथ अगर आप हरड़ का चूर्ण मिलाकर खाते हैं तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और ये जो प्याज का हम जो उपाय बता रहे हैं, नुस्खा बता रहे हैं, तो किसी भी तरह के आपके मस्से हो, कट लगा हो, या आपके खून आता हो, तो हर तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसको आपने लगाना कैसा है वो मैं वीडियो में अभी आपको बताऊँगी। तो देखिए, सिके हुए प्याज को हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी कॉटन की, तो कॉटन ले लेना। और कॉटन के ऊपर जो हमने प्याज सेका था उस प्याज को हम रख देंगे, जैसा वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से अच्छी तरह से कॉटन में प्याज को रख देना, सिके हुए प्याज को। और ये आपने अपने गुदा द्वार पर लगाना है। इसको रात को अगर आप लगाकर सो जाते हैं तो देखना, तीन दिन में ही कैसा भी घाव हो, कैसे भी जख्म हो, मस्से हो, सब धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। तीन दिन में ही आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो ये उपाय कीजिए। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं बरसों पुराने जो नुस्खे होते हैं वही आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।